Hi and welcome back to Grow with the Jan family. Hum Ajay hey kai say hey up. I am JD and I'm Anjali and today we're going to be reacting to ISRO Cardosat three. Yes. Yes. And we know and we're so happy and so excited that yes. this was launched right yes. with many 100 satellites. One hundred satellites. Their last effort to do the world. Record, record was 82 satellites, so. Right. so they broke Ooh. the world. India broke the world record. record. Yeah. Yeah. Go India! Go India! I don't know if you guys can see him when he jumps like that. Anyways, this is so exciting. It makes yeah. us so proud. Yes. We did the Chandrian launch. We stayed home. Got home early from school. We stayed up and watched it. We've yeah. been like Following it, it was amazing, yeah, it so right? So cool, and you know, we also cried mm -hmm. when the scientist Dr. Sivan, cried and Modi G hugged him. We were crying too, yeah. but it was such an amazing accomplishment, and so this is the next big thing, right? Yes. And you guys, oh, been, yeah, yeah, asking us to do it, and so we're excited to see some of it, yes. And we know it launched a few days ago, and you guys yes. have let us know in the comments, but.

ये सब जो कारनामा है so किया पी एस एलवी सी और यहाँ पे आप पे देख सकते इसरो पी एस एलवीसी सेवन सक्सेसफुली इंजेक्ट कार्डोसै स्पेस क्राफ्ट इन टू ऑर्बिट और कमर्शियल फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सक्सेसफुली प्लेस्ड इन देयर डेजिग्नेटेड ऑर्बिट तो डिस्कस करेंगे यहां पर कार्टो सेट की इंपॉर्टेंस क्या है yeah. ये इतनी स्पेशल सेटेलाइट क्यों है काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा सो विदाउट अ अ अ डाउट लॉट लॉट टू टू नो डिस्कस एज ऑलवेज बट बिफोर यूपीएससी दो हजार बीस की तैयारी आप घर बैठे या कहीं भी कर सकते हैं स्टडी आईकू डॉट कॉम से और यू कैन कॉल दिस नंबर नाइन फाइव एट डबल जीरो फोर एट डबल जीरो फोर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एक क्वेश्चन no, no, में आपसे awesome. आप पूछूंगा कि रिसेंटली एच वाई एस आई एस नाम की सेटेलाइट काफी अब तक न्यूज में थी आपको बताना है कि ये सैटेलाइट बेसिकली किस observer, प्रकार observer, की सैटेलाइट थी ऑप्शन आपके सामने satellite. ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थी कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी ये एक स्पेस डिबरी अंतरिक्ष का मलवा हटाने वाली सैटेलाइट थी या फिर नन ऑफ दी सो एवरी वन आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो नाउ लॉन्च किया किसने है पहले ये जान लो इसरो प्राइमरली दो टाइप के रॉकेट यूज करता है सेटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए एक तो है जीएसएलवी दूसरा है पी Recently, आपको याद होगा जो चंद्रयान okay, टू लॉन्च हुआ था उसको हमने लॉन्च किया था जीएसएलवी के एक वेरिएंट से इस बार हमने यूज किया है कार्टोसाइट थ्री के लिए पीएसएलवी क्यों यूज किया पीएसएलवी देखिए पहली बात तो यहाँ पे हमको लॉन्च yeah, करनी थी एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट तो मतलब कि हमको धरती के सर्फेस से छत्तीस so हजार या पैंतीस हजार किलोमीटर की दूरी पे so नहीं जाना था दूसरी बात यहाँ पर थी कि जो टोटल वजन था oh, सारी सेटेलाइट का पे चौदह सेटेलाइट थी एक इंडियन तेरा अमेरिकन सबका मिला mass. के जो टोटल वजन था वो यहाँ पे सत्रह सौ किलो से ऊपर नहीं था तो पी एस एल वी जो वेट की कैपेसिटी है ये है सत्रह सौ पचास किलोग्राम तो सिंस उससे कम का वजन था तो इसलिए हमने यहाँ पर जी एस एल वी को यूज ना करके PSLV को यूज किया सो कार्टोसैट so, जो मेन yeah. सबसे भारी भरकम सैटेलाइट थी इस पूरे मिशन में इसको प्लेस किया गया धरती के सरफेस से 509 किलोमीटर की ऊंचाई पर इस ऑर्बिट में इसको प्लेस कर दिया गया एक और बात, बात मैं बात आपको बता दूं कि ऑर्बिट भी धरती के आसपास बहुत सारे होते हैं ठीक है यहाँ पे आप देखोगे ये धरती है और मैंने यहाँ पे मार्क कर रखे हैं वेरियस ऑर्बिट्स एक तो होता है जियो ऑर्बिट मतलब कि धरती के सरफेस से करीब आप छत्तीस किलोमीटर दूर जाएंगे और इस तरीके से एक ऑर्बिट में एक सेटेलाइट को आप प्लेस कर देंगे इस तरीके से सेटेलाइट यहां पर घूमती रहेगी ठीक है फिर होता है पोलर ऑर्बिट पोलर ऑर्बिट इस टाइप का होता है वो यहां पे पोलर जो है यहाँ पे जो पोल्स हैं इन पे नजर रखता है और यहां पे जो पसिफिक ओशन है और अटलांटिक ओशन है इस पर नजर रख पाएगा फिर होता है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट ये इस तरीके से काम करेगा अगर आप सन सिंक्रोनस yeah, पे प्लेस करते हैं another तो another मतलब यहाँ पे right. इंडिया पे नजर so रख पाएगा like उसके अलावा like like रशिया yeah, कुछ यूरोपियन कंट्रीज like. उसके बाद जो right. पोल्स हैं इस yeah, तरीके yeah, से ये सेटेलाइट घूमेगा ठीक है तो बेसिकली नॉर्थ से साउथ ये ऑर्बिट करेगा धरती को तो जो काटो सैटेलाइट है उसके अलावा जो तेरह अमेरिकन सेटेलाइट है उनको हमने इस रेड ऑर्बिट में जो ये ऑर्बिट है ना यहाँ पे सन सिंक्रोनस ऑर्बिट यहाँ पर प्लेस किया है अब यहां पे एक क्वेश्चन हो सकता है कि इस सैटेलाइट का नाम कार्टोसेट थ्री क्यों था मतलब कि थ्री है तो कार्टोसेट टू भी रहा होगा वन भी रहा होगा तो हां बिल्कुल एक्चुअली कार्टोसेट सैटेलाइट सीरीज जो है इसमें हम टोटल mm, अब जो रिसेंट लॉन्च है इसको आप अगर गिन लो oh, तो नौ सैटेलाइट लॉन्च कर चुके हैं ठीक है, है. Mm. Mm. है mm. जो नौवीं सैटेलाइट थी ये थी कार्टोसैट थ्री ये सारी सैटेलाइट इसरो ने बनाई है no, और इनको ऑपरेट करता है इसरो और ये पार्ट है एक लार्जर इंडियन रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम का इस प्रोग्राम के mm अंडर हम चाहते हैं कि हम बहुत सारी सेटेलाइट लॉन्च करें धरती के आसपास जो धरती की बिल्कुल प्रेसाइज फोटो ले सके और उससे हमको मैप्स बनाने में बॉर्डर पे नजर रखने में हमारे जो नेबर्स हैं उन पे नजर रखने में काफी हद तक हेल्प मिलेगी तो ये आपके सामने प्रॉपर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है कार्टोसेट पूरी सेटेलाइट की लिस्ट की तो सबसे पहली सेट जो सेटेलाइट थी वो थी सेट वन फिर हमने लॉन्च करी कार्टोसेट टू उसके बाद कार्टोसेट टू सीरीज के वेरियस वेरियंट्स आए कार्टोसेट टू ए टू बी टू सी टू ई टू एफ तक और अब हमने कार्टोसेट थ्री लॉन्च करी है नाउ ये जो सेटेलाइट है ठीक है ये अर्थ को ऑब्जर्व कर रही है ठीक है अब ऑब्जर्व कैसे करती है इसका उदाहरण आपके वे सामने वे है ये एक फोटो है कार्टोसेट टू सीरीज की तो कार्टोसेट टू सीरीज से हमने ऐसी फोटोज ली धरती की यहाँ पे आप देख पाएंगे बिल्कुल डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है, है। कौन mm -hmm. सा घर कहाँ पे है कौन सी गली कहाँ पे जा रही है oh, like ये गूगल मैप से दो बेहतर है और सबसे बढ़िया बात यह है की कार्टोसैट थ्री इन सब सैटेलाइट cool. से और भी ज्यादा इंडेप्थ और भी ज्यादा प्रेसाइज डिटेल्ड इमेजेस प्रोवाइड करेगी mm -hmm. सरकार को जो ये कार्डोसाइट सेटेलाइट है इनको प्राइमरली हम दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं एक तो सिविलियन पर्पेज कंस्ट्रक्शन कहीं पे हो रहा है उस पर नजर रखनी है ठीक है दिल्ली में बड़ी सरकार है उनको क्या पता कि ओडिशा में कोई ब्रिज हम कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं उसका क्या स्टेटस है आप सैटेलाइट इमेजेस से बिल्कुल प्रिसाइज इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं आपको ये पता करना है कि कहाँ पर कितनी फार्मिंग हो रही है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यहाँ पर तो ये सब तो हो गए सिविलियन यूजेस इसके अलावा यहाँ पे मिलिट्री पर्पसेस के लिए भी सैटेलाइट यूज होती हैं कुछ सैटेलाइट्स तो हैं फॉर एग्जाम्पल कार्टोसेट टू वे ये तो 100% परसेंट डेडिकेटेड हैं इंडियन फोर्सेस के लिए मगर mm -hmm. yeah. जो बाकी सैटेलाइट्स हैं उनको भी हमारी मिलिट्री चाहे तो यूज कर सकती है बॉर्डर like पे नजर रखने there, के लिए तो आप देख सकते हैं कितना like, ज़रा एडवांटेजियस है something कि आपको अगर बॉर्डर पर इतनी प्रिसाइज इमेज yeah, मिल जाए कर्णा तो ट्रूप्स की मूवमेंट काफ़ी हद तक आसान इससे हो जाती है अब जो कार्टो सैट थ्री है दे? ये अब तक की हमारी सबसे बेहतरीन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो यहाँ पे कैमराज हैं स्टेट ऑफ द आर्ट है इससे आपको ग्राउंड रेजोल्यूशन मिल सकता है ऑफ अप टू 25 फाइव मीटर्स मतलब कि ये धरती के सरफेस से 500 किलोमीटर की ऊंचाई में रह के भी अगर ग्राउंड पे मान लो ये फोकस कर रहा है दिल्ली पर ठीक wow. है दिल्ली के लोकेशन पर फोकस कर रहा है राजघाट के आसपास वहाँ पर 25 सेंटीमीटर की कोई ऑब्जेक्ट है वो भी आप हिलाते हैं तो उसको भी ये नोटिस कर लेगा इतना ज़्यादा प्रिसाइस इसका पूरा नेटवर्क है पूरा सिस्टम है तो इसलिए ये काफ़ी हद तक आजकल न्यूज़ में भी है और यूएस की एक सैटेलाइट है इसके कंपैरिज़न में वर्ल्ड व्यू थ्री इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 31 सेंटीमीटर की तो कार्टो सेट थ्री एक्चुअली रेजोल्यूशन के मामले में कई अमेरिकन सैटेलाइट्स को बीट like करती है इसलिए जो हमारे इसरो mm -hmm. के चीफ हैं के सिवान साहब इन्होंने ये कहा है कि कार्टो सेट थ्री इस इंडिया हाइएस्ट रेजोल्यूशन सिविलियन सैटेलाइट एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स और एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन जो इसरो ने अब तक बिल्ड करी है ये है इसकी जो ड्यूरेशन बताई जा रही है पांच साल मगर जरा पांच साल तक तो ये काम करेगी इसके अलावा जो वजन है का ये है सोलह किलोग्राम अब यहाँ पे आप सोचोगे पी की जो कैपेसिटी थी वो थी सत्रह किलोग्राम और इसमें तो

बारह सेटेलाइट का नाम है फ्लॉक फोर पी ये एक यूएस कंपनी को बिलोंग करती है यूएस कंपनी इसरो के पास oh, क्यों गई नासा बिजी है इलोन मस्क की जो है वो भी बिजी होगी उनके पास काफी सारे होंगे और वो ज्यादा चार्ज कर रहे होंगे इसरो ज्यादा इसरोबल है ज्यादा इफेक्टिव है इनका जो रेट है सक्सेस का काफी हाई है इसलिए ये जो अमेरिकन कंपनी है काफी बार इसरो को ही कोट करती है फॉर दियर मिशन तो बारह सेटेलाइट है उनका नाम हो गया फ्लॉक फोर और एक यहाँ पे एक्स्ट्रा सेटेलाइट है यह है मैशबैट इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ये 12 सेटेलाइट है फ्लॉक 4P वाली यह सब अर्थ ऑब्जर्वेशन है ऑब्बियसली यह कार्टोसेट 3 जैसी नहीं है कार्टोसेट 3 से काफी काफी जरा कमजोर है मगर फिर भी इन्होंने यहाँ पे ये बारह सेटेलाइट लॉन्च करी है इनकी यूटिलिटी है वो काफी हद तक इससे मीट हो रही है ठीक है फिर जो 13 सेटेलाइट है ये कम्युनिकेशन टेस्ट बैड सेटलाइट है कम्युनिकेशन सेटेलाइट नहीं है बस कम्युनिकेशन इक्विपमेंट ग्राउंड लेवल पर ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा इसके लिए ये सेटेलाइट लॉन्च करी गई है अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बता दूं कि इस सेटेलाइट से पहले पीएसएलवी so रॉकेट ने अब Indian तक टोटल 297 फॉरेन सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में प्लेस कर दी थी so right अब like जो ये रीसेंट हमने और प्लेस करी है तेरह और इससे पीएसएलवी mm -hmm. अकेला पीएसएलवी जो रॉकेट है इसका टोटल काउंट हो गया है right? 310। yeah. तो पीएसएलवी ने अब तक 300 से भी ऊपर विदेशी सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंचा दिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है 301 सौ एक ह्यूज नंबर है ऑफकोर्स ज़रा तरह जो ये सैटेलाइट्स थी नैनो सैटेलाइट्स थी मगर फिर भी दे काउंट एज सैटेलाइट्स एक और बात मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ये सारा ऑर्डर था तेरा सैटेलाइट्स का ये मिला है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को ये एक नई कंपनी है इसरो की जो लॉन्च हुई थी मार्च दो में ये एंथ्रिक्स कारपोरेशन जैसा ही काम करती है तो बेसिकली जो भी कस्टमर से बातचीत करनी है ऑर्डर लेना है और जो विदेशी मुद्रा कमानी है

It was real images oh. of them launching the rocket, and like parts came off. Mm -hmm. Yeah, that was, was gonna really explode. cool. <laughs> no, no, no. But it did have lots of fire at the bottom, right? Yeah, it was yeah amazing. definitely. It's it is such an amazing feat to watch these things yeah. on camera. So yeah. cool, because like everything is controlled by like a home base. Yeah, and like the, they have to like have wires. They have to like have a whole system mm -hmm. that. Goes to home base, right? Yeah, and, so and they, they can tell it what to do, right? Yeah, yeah. So there's like the little game thing. No, there it's isn't. It's not like a remote control. <laughs> but it is like that. It's kind like of. a whole video yeah. game. Yeah. You lose, you you know. that's right. not good. <laughs> there's no losing it. India wins, right? Yeah. <laughs> yeah well, yeah, they're all down on home base, hopefully yeah. um, getting it to go where it needs to go, yes. letting the satellites, as you know, all those many, many satellites, and then, uh, yeah, getting uh, them uh, set yes. up. it's just to read some of the stuff about, like, you know, how close it can get, like yeah. 25 centimeters. and that's so how it's cool. such, like great imaging. it's like one of the best now. and, you know, every time they do something, it gets better and better. and um, india is just doing an amazing yeah. job. isrr. Is doing an awesome job. Yes. We are enjoying watching this, right, yes. and learning about it. Yeah. What did you like, Angie? I also liked how they use the satellites to find Google Maps and to do time in your phone. But how, what else do they use them for? Right. Those images were really clear. Yeah. yeah. And um that they were getting that close to the earth yeah. on twenty five centimeters. Yeah, yes. that was awesome. But yeah. I know I heard them say something about the army gets one. Yeah, yeah, so that's yeah. amazing that they get. And to they have made one. one like just for the army, which was right. really yeah. cool. So hopefully that will help with some of these terrorist activities or like the incident that happened recently in Hyderabad, yeah. like stuff like this where they can hopefully. Hone in on people that yeah. need to be kind of watched, or... and this will help like figure it out faster than just running around. Right? Hopefully, they can, yeah. find some of these terrorist activities before they turn into really bad things. You yeah. know, find these guys beforehand. Yeah, I know I heard him say something about border, so hopefully, it's like, yeah, a around like, the border, yeah. 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 So, yeah, just amazing. I mean, these things just make us so proud, and we really enjoy learning all this science. Yes. Angie likes the space. Jaden likes watching the rockets take oh, off. Oh yeah, right? awesome. so cool. Exactly. So we're so proud of India. This is yes. an amazing accomplishment. I mean, the list just keeps getting longer and longer, yeah. right? Yeah. So I hope you guys like this. And don't forget to subscribe and join our wonderful family. And, and we'll see, see you tomorrow. tomorrow. Bye, Bye. J-Hen!